हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में एक फिल्म के लिए हाथ मिलाया, जिसके बाद से ही इस जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए लोग एक्साइटेड है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जल्दी डायरेक्टर अली अब्बास जफर की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में साथ दिखने वाले हैं। देखा जाए दोस्तों तो इस फिल्म को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बड़े लेवल पे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिल्म में कई आश्चर्यजनक यानी कि अनबिलीवेबल एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। इस एक्शन सीन्स को विशाल लेवल पर बनाने के लिए मेकर्स ने फिल्म के लिए अच्छा खासा मोटा बजट तैयार कर रखा है। सामने आ रही खबरों की माने तो इस फिल्म को बनाने के लिए मेकर्स ने कई करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस मेगा बजट फिल्म के लिए प्रोड्यूसर्स ने सिर्फ और सिर्फ एक्शन सीन्स के लिए 120 करोड़ रुपए की मोटी रकम रखी है। इसी के साथ ये एक्टर अक्षय कुमार के फिल्मी करियर की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले फिल्म के लीड स्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म मेकर्स इन पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। इसके बाद फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशनल इवेंट्स के खर्च मिलाकर इस फिल्म का कुल बजट हो जाएगा 350 करोड़ रुपए। मतलब कि कह सकते हैं कि जितने बजट में बाहुबली बनी है उतना इस फिल्म का बजट होने वाला है, 350 करोड़। वेल कह सकते हैं कि मतलब बॉलीवुड में अब बाहुबली बनने जा रही है। अब इस बाहुबली का अंजाम क्या होगा बॉक्स ऑफिस पर? खबरें तो है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी कैपेसिटी को बूस्ट करेंगे और ऐसा एक्शन करते नजर आएंगे फिल्म में जो पहले कभी नहीं हुआ होगा बॉलीवुड में। इस फिल्म में हद से ज्यादा एक्शन सीन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी क्या है, क्या दोनों एक साथ होंगे या वॉर जैसी कहानी होगी जो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की थी, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और वक्त ये भी बताएगा कि बॉलीवुड की बाहुबली का क्या हश्र होता है बॉक्स ऑफिस पर। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।